पार्टी ये चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ यहाँ सन 2007 की तरह ही फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ताकि आपको वर्तमान में भाजपा के चल रहे जातिवादी, संकीर्ण, अहंकारी व तानाशाही वाले शासन से मुक्ति मिल सके। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। और अभी चुनाव में आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना क्यों जरूरी है, इसे आप लोगों को समझना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि आज़ादी के बाद शुरू में काफ़ी लंबे समय तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही हैं, किंतु इनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र व काफ़ी राज्यों के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में, खासकर यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण केंद्र में रही इस पार्टी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर भी केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था, तथा ना ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से केंद्र में रही उस समय श्री बीपी सिंह की सरकार से ही लागू कराया था। साथ ही इसी सरकार में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के व अन्य और मामलों में भी इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आसीन होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है, और ना ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी
यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफ़ी ज़्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो ज़्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज़्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के लोगों को हमारी सरकार ने जो अनेकों सुविधाएं दी थी, तो उन्हें भी सपा सरकार ने ज़्यादातर खत्म कर दिया है। साथ ही इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में हमारी सरकार द्वारा जनहित की अनेकों योजनाओं के व नए बनाए गए जिलों के तथा यूनिवर्सिटी व पार्क आदि के जो भी नाम रखे गए थे, तो उन्हें भी अधिकांश सपा सरकार ने बदल दिया है। इस प्रकार से इनके प्रति ये है इनका असली प्रेम व सम्मान आदि, जबकि हमारी पार्टी तो इन मामलों को लेकर ये भी सोचकर चल रही थी कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद बीजेपी की सरकार सपा के इन फैसलों को जरूर बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे सपा की तरह ही बीजेपी की सरकार की भी इन वर्गों के प्रति तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए चुनाव में खासकर इन वर्गों के लोगों को सपा के साथ साथ बीजेपी को भी सत्ता में आने से जरूर रोकना है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी नीतियाँ व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं, लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को ज़्यादातर दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनत कश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी, तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दलितों व पिछड़ों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी सरकार में भी ज़्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए जा रहे हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। विशेषकर मुस्लिम समाज तो इस सरकार में हर मामले में सबसे ज़्यादा दुखी रहा है तथा हमेशा दहशत में रहा है। वह अपने आप को असुरक्षित भी महसूस करता रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग में भी ब्राह्मण समाज हर मामले में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा
इनके गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। साथ ही प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज़्यादातर इनको इस सरकार में भी, वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी पलायन करना पड़ा है। जबकि इस मामले में आप लोगों को ये मालूम है कि जब बीएसपी के नेतृत्व में 4 बार यूपी की सरकार बनी तो बीएसपी की आज़ादी के बाद ये पहली सरकार थी जिस सरकार में यहाँ पर गरीब और बेरोजगार लोगों को रोटी रोजी के लिए दूसरी पार्टियों की सरकारों की तरह, वर्तमान भाजपा सरकार की तरह, उनको अपना प्रदेश छोड़कर बाहर के प्रदेशों में नहीं जाना पड़ा है, बल्कि उनको बड़े पैमाने पर मेरी सरकार में यही रोटी रोजी के साधन मिले हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जो लोग पलायन करके चले गए थे तो मेरी चारों हुकूमतों में वो लोग फिर से यहाँ वापस आ गए और उन्हें भी रोटी रोजी के बड़े पैमाने पर साधन मिले हैं। और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस बार जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो फिर से आप लोगों को रोटी रोजी के साधन दिए जाएंगे, आपको पलायन करना नहीं पड़ेगा रोटी रोजी के लिए। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से यहाँ यूपी की जनता काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अब इस चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसने अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास व उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इस बार सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में खासकर गरीबी एवं बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए इस बार भी विशेष कदम उठाए जाएंगे। और इस मामले में वैसे आप लोगों को ये विदित है कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने यहाँ गरीब एवं भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए काफ़ी सरकारी फ्री जमीन भी दी है और उसे नियमों के तहत यहाँ आगे भी जरूर दिया जाएगा। इस बार सरकार बनने पर यहाँ नियमों के तहत उसे आगे भी जरूर दिया जाएगा। पूर्व की तरह इस बार भी गरीब आवासहीनों को सभी सुविधाओं के साथ फिर से 2 कमरों के पक्के मकान फ्री में बनाकर दिए जाएंगे। साथ ही पूर्व की तरह देहातों व शहरों आदि को भी सभी जरूरी सुविधाओं से विकसित किया जाएगा। इस प्रकार से ऐसे अनेकों और भी ऐतिहासिक कार्य मेरी 4 हुकूमतों के दौरान किए गए हैं जो सरकार बनने पर आगे भी किए जाएंगे। साथ ही किसानों को भी किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि पूर्व की तरह इस बार भी सरकार बनने पर यहाँ दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के सम्मान में भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके अलावा आपके गोरखपुर मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा।
इसके साथ साथ केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को ध्यान लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही डीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकार की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर यहाँ कानून द्वारा कानून का कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत यहाँ जाति व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गुंडों बदमाशों माफियाओं व अन्य अपराधी एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर ही भेजा जाएगा। जहाँ मेरी सरकार ने इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उनके ऊपर अनेकों केस चलाए हुए हैं तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म किए जाएंगे। इसके साथ प्रदेश में खासकर वह अन्य विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का भी गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को ध्यान दिया जाएगा जिसमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को भी लागू करने का मामला शामिल है। इनके अलावा सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय को लेकर अन्य और भी जरूरी कार्य किए जाएंगे लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी को हर हालत में सत्ता में लाना बहुत जरूरी है जिसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है और इस मामले में विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती है तो उससे आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। जैसे सन 2007 के हुए विधानसभा आम चुनाव में उस समय मीडिया ने जो बीएसपी को लेकर ओपिनियन पोल व सर्वे आदि दिखाए थे तो जब रिजल्ट आया तो वो गलत साबित हुए। बीएसपी को तीसरे नंबर पे दिखा रहे थे, बीएसपी पहले नंबर पर आई और जिनको पहले नंबर पे दिखा रहे थे वो तीसरे नंबर पर आए तो इसलिए आप लोगों को इस बार भी उनके ये ओपिनियन पोल व सर्वे आपको गलत साबित करके दिखाना है। इसके साथ ही पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं तो उनके बहकावे में भी आपको कतई नहीं आना है जिन पर से अब जनता का काफ़ी हद तक विश्वास ही उतर गया है। इसलिए इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है और ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपनी चारों रही सरकारों के दौरान करके भी दिखाया है। इसके साथ ही हमारी पार्टी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ प्रदेश के विकास
व आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं वो अभी तक या किसी भी विरोधी पार्टी की सरकार ने नहीं किए हैं, बल्कि ज़्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम व स्वरूप आदि बदल कर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लगी रहती हैं। लेकिन उन कार्यों के प्रति इनकी नियत व सोच सही नहीं होने के कारण उसमें भी ये पार्टियां ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए या फिर से BSP की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही वे समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए ज़रूर जाना है। और इस मामले में हमारी बहनें भी, माताएं बहनें भी पीछे नहीं रहेंगी, वो भी पुरुषों से आगे निकलकर अपना वोट डालने के लिए ज़रूर जाएंगी। और इतना ही नहीं, मैं कमज़ोर वर्गों के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को वोट देने का अधिकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से मिला है। आप लोगों को अपना एक वोट भी ऐसा नहीं करने का कि एक वोट आप ना डाल सके, एक एक वोट आपको डालना है, तो जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने काफ़ी संघर्ष किया है। खास तौर से जिक्र वैसे तो सभी लोगों को अपना वोट डालना है, सर्व समाज के लोगों को अपना वोट डालने के लिए ज़रूर पहुंचना है, लेकिन वीकर सेक्शन के लोगों को इस मामले में विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति ना डाल सके, इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका भी पार्टी की हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। इन्हीं ज़रूरी बातों के साथ ही अब मेरी BSP के लोगों से यही अपील है कि हमारी पार्टी ने यहाँ के गोरखपुर मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आप लोगों के बीच में स्टेज पर मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के ज़रूर जिताना है। और आप लोगों को मालूम है कि जो हमारा हाथी है तो वो योगी जी की नींद उड़ाए हुए हैं, तो उनको हर अपनी चुनावी जनसभा में तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हाथी का जिक्र करना पड़ता है। और फिर से आप लोगों को यहाँ सन 2007 की तरह ही BSP की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना है, तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी धर्मों वर्गों के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है। और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सही सपना साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मेरा यही कहना है, क्या कहना है कि अब आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, BSP को सत्ता में लाना है। आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, BSP को सत्ता में लाना है, और यहाँ अपने गोरखपुर मंडल से BJP व अन्य सभी विरोधी पार्टियों का भी जरूर सफाया करना है, उनका जरूर सफाया करना है। इसके साथ ही योगी जी को भी यहाँ मठ में इनके अपने परिवार में वापस भेजने का भी काम आप लोगों को जरूर करना है, जिन्होंने यहाँ की जनता को वायदे तो काफ़ी बड़े बड़े किए हैं, लेकिन उन वायदों पर अमल ना के बराबर ही किया है। इतना ही नहीं, बल्कि अपनी जातिवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत चलकर इन्होंने यहाँ खासकर दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा की है, तथा मुसलमानों के
विकास व उत्थान की तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, बल्कि द्वेष की भावना के तहत इनको अधिकांश फर्जी मामलों में फंसा के इन्हें उजाड़ने एवं तबाह व बर्बाद आदि करने का ही पूरा पूरा प्रयास किया है। और आप लोगों को मालूम है, जब बीजेपी की चुनावी जनसभाएं होती हैं, उनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, तो क्या बोलते हैं, हमने कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए हमने इतने मुसलमानों के खिलाफ हमने कार्रवाई की, लेकिन कभी उनको जो गैर मुस्लिम माफिया हैं वो उनको नज़र नहीं आते। नेपाल के बॉर्डर पर देवी पाठन में भरे पड़े हैं माफिया, क्या उनको नज़र नहीं आते? उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं करते हैं, लेकिन उनको कौन नज़र आते हैं? केवल मुस्लिम समाज के लोग, वीकर सेक्शन के लोग, ये इनको नज़र आते हैं, ये इनको अपराधी नज़र आते हैं। लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए, यदि अपराध किसी एक व्यक्ति ने किया है उसकी सजा आप पूरे समाज को नहीं देंगे, यदि एक व्यक्ति खराब है आप पूरे मुस्लिम समाज को शक की नज़र से देखेंगे, ये ठीक नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि जब चार बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी, तो समाज का कोई भी वर्ग का आदमी हो, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, या अन्य किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, धर्म का हो, तो हमारी सरकार ने सबको न्याय दिया है। किसी के साथ पक्षपात वाला वातावरण, हमने भेदभाव वाला वातावरण पैदा नहीं किया, उनका हमने सबका, सभी जाति सभी धर्म के लोगों का हमने एक समान ध्यान रखा है सभी मामलों में। ये और इतना ही नहीं, यही खराब स्थिति इस बार हमें अपर कास्ट समाज में से विशेषकर ब्राह्मण समाज की भी देखने के लिए मिल रही है। इसलिए ऐसी बीजेपी की सरकार को व इनके मुख्यमंत्री योगी जी को भी आप लोग इस बार चुनाव में इन सबकी सजा इनको सत्ता से बाहर करके जरूर देंगे। इनको सत्ता से बाहर करके आप लोग जरूर देंगे, और यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार जरूर बनाएंगे। वैसे आज आप लोगों की भीड़ व भीड़ के जोश को भी देखकर मुझे ऐसा जरूर लग रहा है कि आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में अपनी पांचवी बार सरकार जरूर बनाएंगे। आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में अपनी पांचवी बार सरकार जरूर बनाएंगे, और अपनी बहन जी को पांचवी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे, और योगी जी को जहां उनकी सही जगह है वहां आप लोग जरूर भेजेंगे, ये भी मैं आप लोगों से दरखास्त करती हूं। इस विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के गोरखपुर मंडल के सभी उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। जैसा बसपा के साथ में